की रहमतों का खजीना शान रमजान, अल्लाह की रहमतों का खजीना शान रमजान, बख्शीशो मगफिरत का बख्शीशो मगफिरत का सफीना शान रमजान, अल्लाह की रहमतों का खजीना शान। नाज़रीन आपका खैर मकदम है रहमत सहार में। आज मौजू है मकसद हयात और उसकी तकमील के हवाले से इंशाअल्लाह बात करेंगे कि वो क्या क्या मकासद हैं कि जो हमें पेश नज़र रखने चाहिए। उमूमी तौर पर दुनियावी मालो मता और जितनी चीज़ें दुनियावी ज़रूरियात हैं वो हमारे पेश नज़र ज़रूर रहती हैं, लेकिन दीनी हवाले से ये कहा जाता है कि जनाब अभी तो वक्त पड़ा है, हम ज़रा दुनियावी मामलों को तो देख लें, आखिरत की आखिरत में देखी जाएगी। कहने वाले ये कहते हैं लेकिन अल्लाह ताला ने अपने बंदों को पैदा क्यों किया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, के हमने ग्रोह जिन्न इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो ये जो मकसद हयात कुरान हमें दे रहा है, हमारी नज़र उस तरफ नहीं है, हम चूँकि दुनियावी उमूर में मसरूफ़ है तो हमारा दुनिया की तरफ ज़्यादा रुझान है। इस हवाले से कहाँ कहाँ हमसे कोताही हो रही है, किस चीज़ को हमें पेश नज़र रखना है, इंशाअल्लाह इस पर बात होगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर हमारे दरमियान मौजूद हैं उस्ताज़ुल उलमा ज़ीनतुल फ़ुक़हा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब। कल तशरीफ़ ना ला सके, कल आपकी कमी महसूस हुई, आज तशरीफ़ फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। और आपके साथ तशरीफ़ फरमाए मुमताज़ व मारूफ़ आलिम दीन, एक ऐसे आलिम दीन माशाल्लाह कि जो एक ऐसे खानवादे के चश्मो चिराग हैं कि जो पूरी दुनिया में इल्मे दीन की तरवीज तबलीग और इशाअत के हवाले से बहुत नुमाया है। मेरी मुराद साहबजादा अल्लामा उवैस अल हसनी साहब से तशरीफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। और मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा आलम इस्लाम के मुमताज़ व मारूफ़ सनाखा जनाब अलहाज ज़ुल्फ़िकार अली हुसैनी तशरीफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा वो शख्सियत के जो माशाल्लाह बाग़ो बहार शख्सियत है जनाब मोहम्मद शाहरुख क़ादरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कितना अच्छा मुस्कुराते हैं। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद उबैद रज़ा क़ादरी मुमताज़ व मारूफ़ नौजवान सनाखा पुरअज़्म और बासलाहियत सनाखा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं चाहता हूँ अल्लामा साहब के इब्तदाई हिस्से में आप मोमिन का जो मकसद हयात है तो कुछ कलाम फरमा दें तो फिर इंशाअल्लाह आगे बढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारा मकसद हयात वही है जिसकी तालीम लेकर कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, सब ने आके लोगों को उनका मकसद हयात ही समझाया है और उस समझाने के बाद फिर उस मकसद हयात की तकमील के लिए असबाब और ज़राए भी अल्लाह ताला की अता से अता किए हैं और कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ें हमें मिलती हैं जिनको इस्तेमाल करके हम मकसद हयात को हासिल कर सकते हैं। आपने इंट्रो में उसका थोड़ा सा जिक्र फरमाया, जैसे एक तो आयत यही है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को फ़कत अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया है। और दूसरे मकाम पे अल्लाह ताला फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लिबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, उसी ने पैदा किया ज़िंदगी और मौत को ताकि इस बात का इम्तहान करे, हालांकि वो सब जानता है कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। तो खुलासे कलाम ये हुआ कि हमें दुनिया में भेजा है रिज़ाए इलाही हासिल करने के लिए, जिसके लिए असबाब बताए नेक अमल इबादत। अब बाज़ लोगों के जहन में तस्वुर मतलब एक वसवसा सा पैदा होता है कि अगर इबादत के लिए पैदा किया सिर्फ नेक अमल के लिए तो क्या दोस्तियां छोड़ दें, शादी ब्याह ना करें, मस्जिदों में जाके तस्बीहात बैठ के हज़ारी तस्बीह लेके अल्लाह अल्लाह के नारे लगाते रहें, खानकाहों में निकल जाएँ, जंगलों के अंदर निकल जाएँ। ऐसा नहीं है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकसद हयात की तकमील बहुत ही आसान अंदाज से सिखाई है कि कैसे करनी है। और अल्लाह ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी करीम ने ख़ुद अपने सहाबा से फरमाया कि मैं खाता भी हूँ और रोज़ा भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ, मैंने शादी भी की है, मैं रात में सोता भी हूँ और इबादत भी करता हूँ, सरकार ने तिजारत भी फरमाई, सहाबे कराम को तरीक़े भी बताए। तो खुलासे कलाम ये है कि इस मकसद हयात की तकमील के लिए कि हम इबादत इख्तियार करें, नेक अमल से अल्लाह की रज़ा हासिल करें, दुनियावी उमूर भी हम इख्तियार कर सकते हैं लेकिन उसके लिए तालीम शरा ज़रूरी है। शरीयत के दायरे में रह के करेंगे तो इंशाअल्लाह हर चीज़ मकसद हयात की तकमील में मुआविन साबित होगी। अगर जामे और मुख्तसर कलाम सुनना हो तो क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब के कलमात सुन लें। आप मौजू को इस तरह ऐसा लगता है कि समंदर को कूजे में आप बंद कर रहे हैं। एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद लौटेंगे, इसी मौजू पर इंशाल्लाह बात करेंगे और इसकी मजीद जहतें सामने आएंगी इंशाल्लाह। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह की रहमतों का खजीना शान
नाज़रीन आपका खैर मकदम है। आज मकसद हयात और उसकी तकमील के जो मराहिल हैं उसके हवाले से बात हो रही है। बहुत अहम मौजू है, इसे आम तौर पर ना लिया जाए या मामूली ना समझा जाए, क्योंकि जाहिर है हमारे ज़िंदगी में बहुत अल्लाह ताला जो वक्त इनायत फरमाता है हमें ये मोहलत फराहम करता है कि हम अपने लिए लाइन ऑफ डायरेक्शन का सही इंतखाब कर लें। बहर सूरत इस हवाले से हम जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है कि हम गलतियां कर बैठते हैं मकसद हयात के हुसूल के लिए जो तरीक़े इख्तियार किए जाते हैं, और जामे मकसद हयात के खवास अगर हमारे पेश नज़र रहें तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे एम्स भी दुरुस्त हो जाएंगे, हमारे गोल्स भी अचीव हो जाएंगे। क्या कहते हैं अल्लामा साहब इस हवाले से? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। शुक्रिया रईस भाई। देखें रईस भाई, जब इंसान इस दुनिया में आता है तो इस दुनिया में आने के बाद उसके दो मकसद होते हैं, उसको मकसदों को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, यूँ कहना बेहतर हो जाएगा। इस्तिलाह में एक दुनियावी मकासद होते हैं, एक उखरवी मकासद। दुनियावी मकासद ये होते हैं कि इंसान जब आया है दुनिया के अंदर तो अपने साथ वाले लोगों के साथ या अपने जो दौर के लोग होते हैं या अपने आने वाली नस्लों के साथ क्या बेहतर काम करके जा रहा है, कोई साइंसदान है तो क्या चीज़ें ईजाद करके जा रहा है, कोई डॉक्टर है तो कितनी अच्छी वो तिब के मेडिसिन के अंदर शोबे के अंदर क्या खिदमत अंजाम दे रहा है, या अगर सिर्फ एक शख्स ही है तो अपने ख़ानदान के साथ क्या कर रहा है, जिसको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया खैरुन नासी मन यनफउ नास। तो एक इंसान का मकसद दुनिया के अंदर भी ये होता है कि वो दुनिया के लोगों के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारता है। दूसरा जिसे उखरवी मकासद कहा जाता है उसके अंदर ये होता है कि इंसान यहाँ पर आता है लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसकी असल कामयाबी जो होती है वो आखिरत के साथ होती है। अगर आखिरत में कामयाब हो गया तो हकीकत में वो दुनिया के मकासद को या दुनिया के सही मकासद को उसने अचीव कर लिया और आखिरत में उसको कामयाबी मिल गई। अब ये जो मकासद हैं इनको इनके खवास में से ये होता है कि जब बंदा इन मकासद को देखता है और इनमें कोताही नज़र आती है तो उस कोताही को दूर करने के लिए उसे चाहिए कि वो सबसे पहले तो अपना अकीदा सही रखे। अकीदा सही से मुराद ये है कि ईमान बिल्लाह होना चाहिए, ईमान बिरसालत होना चाहिए, मलाइका पर ईमान होना चाहिए, आखिरत पर ईमान होना चाहिए। इंसान गलती उस वक्त तक नहीं कर सकता, उलमा फरमाते हैं जब इंसान का मजबूत अकीदा होगा आखिरत पर, जितना ज़्यादा आखिरत पर मजबूत अकीदा होगा उतना ज़्यादा वह अमल में मजबूत होगा। बिल्कुल। अब वो बंदा जो आखिरत के अकीदे में थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आता है उससे ये कोताहियाँ नज़र आती हैं। अब दूसरी बात ये होती है कि जब इंसान आखिरत के अकीदे के अंदर अकीदा सही होता है तो उसको दूसरा लाहेमल जो खवास में से वो हुब्ब इलाही है, इंसान को अल्लाह ताला से मोहब्बत होगी तो इंसान कभी भी उन कोताहियों पर नहीं आ सकेगा बल्कि उन कोताहियों को बरसर पैकार उन कोताहियों को नज़रअंदाज होती हुई नज़र आएंगी। तीसरी चीज़ जो होती है वो अमल साले होती है, मजबूत अमल साले, उसके अंदर मजबूत अमल साले होगा। चौथी चीज़ सब्र है, इंसान को सब्र करेगा। पांचवी चीज़ अज़म है। इन पांच चीज़ों पर जब इंसान अमल करता है तो फिर इंसान हमेशा हमेशा के लिए उसका अकीदा आखिरत भी मजबूत होता है, उसके अल्लाह ताला के साथ राबता भी मजबूत होता है, उसका अमल साले भी होता है, वो सब्र के साथ भी होता है और उसके अज़म भी बड़ा पुख्ता होता है। जब ये खवास पाए जाते हैं तो फिर इंसान को कोई कमज़ोरी नज़र नहीं आती उसके मकसद हयात के अंदर। इंसान जैसी भी ज़िंदगी गुजार रहा होता है उसका मकसद हयात वो पूरा होता हुआ नज़र आता है और आखिरत उसकी कामयाब होती हुई नज़र आती है। क्या कहने, क्या कहने। अच्छा मुफ्ती साहब फरमाइएगा कि उखरवी मकसद हयात को उमूमी तौर पर इसलिए पसपुश डाल दिया जाता है कि जनाब दुनियावी तो बड़े नुकसान हो जाएंगे अगर हमने ये कर लिया, और अगर कहा जाए तो उस पर हीलाजोई की जाती है, पसोपेश से काम लिया जाता है, उस पर ये कि तौजीहात पेश की जाती है। क्या फरमाइएगा आप इस हवाले से? देखिए मेरा जो इतना एक तवील अरसा गुजरा है तबलीग दीन के सिलसिले में, मैंने जो लोगों की मैंटेलिटी देखी है ना या उनका तर्ज अमल जो मैंने अच्छी तरह मुशाहदा किया है वो ये है कि जो अल्लाह उसके रसूल की तरफ से आया ना जी, वो उसको बाज़ औक़ात तो सुनते ही नहीं और सीखते ही नहीं हैं, और अगर सुनते सीख भी लेते हैं तो उसको लोगों की बातों के पेश नज़र नज़रअंदाज कर देते हैं, प्रैक्टिकल करके नहीं देखते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह उसके रसूल ने रिस्क हलाल का हुक्म फरमाया बेशक, बेशक। जो इबादत के लिए भी असल है और हमारी बातनी तरबियत के लिए भी है, लेकिन जब लोगों की बातें कान में आती हैं ना आजकल हलाल से गुजारा नहीं होगा, कुछ हलाल खाओ, हाँ हलाल खाओगे तो बीवी बच्चे भूखे मरेंगे, तो ये इतनी बात गालिब आ जाती है कि वो ये प्रैक्टिकल करके नहीं देखता कि मैं इसके हलाल कमा कर तो देखूँ, अल्लाह ताला की तायद गैबी जब मेरी तरफ मुतवज्जे होगी मैं एक्सीडेंट से भी बचूंगा, मैं बीमारियों से बचूंगा, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा और 10 ज़राए मुझे अता फरमाएगा, वो जब कोशिश नहीं करता उन मकूलों को अपने जहन में रखता है तो इसके हलाल से दूर। इसी तरह भाई ज़्यादा दीन में डीपली ना जाओ, तो बाद माँ बाप समझा रहे हो तो देखो बेटा ज़्यादा मौलवी ना बनो, बस दूर रहो,
और बच्चा पूछे अब्बा दुनिया में नमाज पढ़ ली, बेटा दुनिया में तो नाक बंद करके समंदर है दुनिया में गोताजन हो जा, अपने अब्बा को नहीं देखा तूने। तो ये सूरत हाल है कि बच्चों को दुनिया में तो पूरे चले जाओ कोई नुकसान नहीं होगा, बेटा दीन के करीब जाओगे खतरा होगा। हालांकि अल्लाह ताला फरमा रहा है यायुल्लदीना आमनुद खुलूफ़ सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अगर इसमें नुकसान का पहलू होता तो हकीम मुतलक इसका हुक्म क्यों फरमाता? अब हम चूंकि इस्लाम की तरफ आकर नहीं देखते, हम भी अल्लाह का करम है कि इतने साल हो गए इस्लाम से वाबस्ते हैं, जब तक उससे पहले थे कोई अहमियत और वैल्यू नहीं थी, हज़ार हाँ चीज़ों के अंदर बेबरकतियाँ देखी, और अल्लाह ताला का करम है आप माशाल्लाह दीनी एक फील्ड से वाबस्ता हैं, खुद आप अपने ज़िंदगी के तजुर्बात लिखने लगें तो एक ज़खीम किताबें बन जाएँ, इतने अल्लाह की बरकतें और रहमतें होती हैं, लेकिन क्या है लोग आते नहीं हैं करीब। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह बाज़ औक़ात बहुत सी दुनियावी चीज़ों के बारे में हम कहते हैं चलो करके देखते हैं क्या होता है, खुदारा एक लम्हे के लिए दीन के बारे में भी ये सोच लें करके देखते हैं क्या होता है। क्या बात, वो तो होगा क्योंकि अल्लाह उसको रसूल का हुक्म है, लेकिन करके देखो एक दफ़ा आपने, आप जब करके देखेंगे जो बरकत आपको हासिल होंगी। मेरी अम्मी कभी कभी कहती हैं कि पता नहीं लोगों को क्या हो गया दीन के करीब नहीं आते, वो भी उस मसले में कि लोग कहती हैं कि लोग समझते हैं दीन के करीब आएंगे तो भूखे मरेंगे, आकर तो देखें ज़रा कि अल्लाह ने कितनी बरकत रखी है इसमें। तो ये ज़रूरी है कि हम दीन के करीब आएँ, तालीमात शरा को सीखें और उसका प्रैक्टिकल करके देखें। अल्लाह ताला की रहमत क़यामत तक के लोगों के लिए है, ऐसा नहीं है कि वो सरकार के ज़माने तक रहमत महदूद थी या पिछले ज़माने में कहते हैं जी वो तो बुजुर्ग थे ना, वो तो करके अल्लाह वाले थे, अल्लाह वाले थे तो भाई उन अल्लाह वालों ने करके क्यों दिखाया? तो दुनियादार मुस्तसम कैसे कर सकते हैं जी हाँ, तो वही मामला भी तो दूर से। हालांकि आप ये देखिए जो बाहर के मुल्कों में जाते हैं किस कदर मशक्क़त में ज़िंदगी गुजारते हैं, बाद स्टूडेंट्स जैसे जाते हैं वो मतलब होटलों में वेटरिंग कर रहे होते हैं, पढ़ भी रहे हैं और ये काम भी कर रहे होते हैं, सारी मेहनत करके फिर वो अपने चाहते हैं कि हमें मकसद ज़िंदगी हासिल हो जाए। इससे कहीं कम मेहनत में अल्लाह की तायद गैबी के साथ मकसद हयात की तकमील हो सकती है अगर इंसान संजीदगी से कोशिश। क्या कहने, क्या अच्छी दावत फिक्र दी मुफ्ती साहब ने, और ये वाकईतन हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए। और मुफ्ती साहब खुद है और हमारे उलमाए दीन जो दीन से वाबस्ता है दीन की खिदमत भी कर रहे हैं, आप सवाल कर सकते हैं क्या ये दुनियावी तौर पे खुदा ना खास्ता क्या नाकामी की ज़िंदगी गुजारना है? हरगिज़ नहीं, ये बड़े कामयाब लोग हैं कि इन्होंने मकसद हयात को इतना अजीम अपने सामने रखा है कि दीन की खिदमत करेंगे दुनिया अल्लाह ताला वैसे ही अता फरमा देगा। हम दीन की तरफ आते ही नहीं है, हम खौफ ज़्यादा रहते हैं ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए तो हम तो जेब खाली हो जाएगी। जी बात कहते हैं लड़का का दाढ़ी रख रहे ना, दाढ़ी बढ़ा रहा है कोई लड़की भी नहीं देगा, जैसे हम तो पीछे लाइन में लग के खड़े हुए कोई लड़की कोई मिल जाए तो हम लोग शादी करो बच्चे पैदा हों। अरे भाई खुदा का खौफ करो, तो ये मतलब इस किस्म के वसवसे अल्लाह ताला बरकत देता है, जरा करीब तो आकर देखें। सही फरमाया, सही दीन की बड़ी बरकत है दीनी उमूर में, लेकिन इखलास लाजमी है। दारैन की जो कामयाबियाँ हैं उसके लिए क्या मकसद हयात होना चाहिए? अल्लाह करे कि आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं मुझ समेत बहुत सारे हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें जहते खुल जाए और उनके लिए लाइन ऑफ डायरेक्शन बहुत अच्छी हो जाए। अल्लामा साहब क्या फरमाइए, दारैन की जो कामयाबी है उसके लिए हमारा मकसद हयात क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? जी रईस भाई, जैसा कि किबला मुफ्ती साहब ने अर्ज़ किया कि हकीकत में हमारा जो मामला है वो ये होता है कि हम दुनिया को तरजीह देते हैं आखिरत को तरजीह नहीं दे रहे होते, और हकीकत में यही है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया बल तू सिरून अल हयात दुनिया वल आखरत खैरुम व अबका। हकीकत यह है कि आखरत ऐसी चीज़ है जो कि दायमी है और बेहतर इस दुनिया से। इंसान को चाहिए कि आखरत को तरजीह दे, उसका मकसद हयात यही होना चाहिए कि मेरी आखरत बेहतर हो जाए। जितना ज़्यादा इंसान दुनिया की मोहब्बत में चलता जाएगा और बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा वो दारैन की कामयाबी से दूर होता चला जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मनसूबा बनती इंसान की ये होना चाहिए। देखें हजूर अक्रम सल्लम के अल्फाज हैं, फरमाया हुब दुनिया रासु कुल्ली खतियतिन, ये जो मोहब्बत है दुनिया की ये हर गुनाह की जड़ है। अब इंसान ये नहीं है कि दुनिया से दूर हो जाए, दुनिया में रहे लेकिन दुनिया की मोहब्बत ऐसा ना करे कि उसको हलाल और हराम की तमीज़ ही छुड़ा दे, मौशे के अंदर अपने और पराए की तमीज़ ही छूट जाए, बल्कि उसको ऐसे रहना चाहिए कि दुनिया के साथ कारोबार भी करता रहे लेकिन हर वक्त तस्वुर खुदा भी रहे। हजूर अकरम सल्लम ने एक हदीस बयान फरमाया कि जब इंसान फौत हो जाता है, जब मर जाता है तो उसके जो लोग होते हैं अकरीबा होते हैं रिश्तेदार होते हैं या वारिसीन या वरसा होते हैं वो ये पूछते हैं कि इसने पिछले लोगों के लिए क्या छोड़ा है, लेकिन जब फौत हो जाता है तो फरिश्ते ये पूछते हैं कि इसने आगे के लिए क्या छोड़ा। अल्लाह अल्लाह। जब इंसान की हिकमत अमली ये हो कि मेरा सब कुछ आखिरत है, मेरे लिए वही सब कुछ कामयाबी है। देखिए इसमें मैं इसकी मिसाल यूँ दूंगा कि बाज़ औक़ात आप बैरून मुल्क जाते हैं, दुबई वगैरह मस्कत वगैरह जाते हैं,
वहाँ पर कुछ लोगों से आप मुलाकात करते हैं तो उनके छोटे छोटे क्वार्टर के अंदर 10-10, 12-12 लोग रह रहे होते हैं। रहते हैं। और जब उनके यहाँ पर घर देखते हैं तो अच्छे अच्छे महल्लात होते हैं। उससे पूछा ये जाता है कि आप ये बताएं कि यहाँ पर आपने घर क्यों नहीं बताया, तो वो ये कहते हैं कि हमारी आर्जी जगह, हमने जाना उधर है। इतनी अक्ल तो है मौजूद कि जो आर्जी जगह होती है वहाँ वहाँ उसको तरजीह नहीं दी जाती, तरजीह हमेशा मुस्तकिल मकाम को दी जाती है। ये अगर दुनिया के मामले में है तो फिर आखिरत के मामले में ऐसा क्यों नहीं करते आप कि इस दुनिया को आर्जी समझें और आखिरत को अपने लिए हकीकी और दायमी और मुस्तकिल ठिकाना समझें। जब ये बात आपके जहन में आ जाएगी तो फिर आपको मनसूबा बंदी आपके खुद ब खुद आपके अकल में आ जाएगी और सारी मनसूबा बंदी ठीक हो जाएगी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अपने मजलिस में बैठे हुए थे रफ़का के साथ, उनसे पूछा कि मुझे बताओ कि अहमक आदमी कौन है, अहमक आदमी। तो उन्होंने बताया कि मजलिस में जो लोग थे उन्होंने कहा कि हमने तो सूफिया से सुना है कि वो शख्स अहमक है जो आखरत को खरीदता है दुनिया के बदले, आखरत को बेचता है, सॉरी, आखरत को बेच देता है दुनिया के बदले, दुनिया के बदले। उन्होंने कहा मैं तुम्हें इससे बढ़कर ना बेवकूफ़ बताऊँ। उन्होंने कहा क्या, वो कहते हैं कि मन बा आखरत बे दुनिया गैरी ही, फरमाया कि जो आखरत को बेच देता है दुनिया के बदले लेकिन अपनी ज़ात के लिए नहीं। अगर अपने आप को फ़ायदा पहुँचता दुनिया के अंदर तो हम कहते हैं ठीक है, कुछ तो अकल है कि अपने फायदा सोचा, कहीं ना कहीं तो सोचा, एक दार में तो सोचा, लेकिन वो अपना फायदा नहीं सोचा, उसने सोचा किसके लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने अकरबा के लिए सोचा। खुद गया है तो फकीर बनकर गया है, लेकिन जो छोड़ा है औलाद के लिए छोड़ा, औलाद भी ऐसी पता नहीं फातिहा करती है कि नहीं करती। अल्लामा इकबाल ने एक बड़ी प्यारी बात की थी, उन्होंने कहा कि आज का दौर यह है, अल्लामा इकबाल ने कहा था, उसने कहा यह है कि लोग तो ऐसे, हमें सूफिया तो ये सिखाते हैं कि दुनिया में रहो लेकिन तसव्वुर खुदा तुम्हारे साथ कायम रहे, दुनिया के मामलात हों, कारोबार हो, सब कुछ हो, लेकिन तसव्वुर खुदा कायम रहे, ताल्लुक बिल्लाह कायम रहे। लेकिन कुछ लोग, अल्लामा इकबाल ने कहा, वो ये होते हैं कि इबादत करते हुए भी तसव्वुर खुदा तो दूर के बाद वो दुनिया में गुम रहते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। क्या बात, क्या बात। अच्छा मुझसे एक चीज और भी है कि कुरानी मकसद हयात में हायल रुकावटें क्या क्या हैं और हम उससे कैसे दामन बचा सकते हैं, कुछ इस पर मैं चाहता हूँ कलाम फरमाइए। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो जहालत है। देखें ना, अम्बिया अलैहिस्सलाम जिस कौम में नहीं आए उससे पहले वो कौम मकसद हयात से बहुत दूर थी। बिल्कुल, क्यों? इल्मी नहीं था, शऊर ही नहीं था। नबियों ने आके इल्म भी दिया, शऊर की बेदारी की, फिर खुद प्रैक्टिकल करके दिखाया, रोल मॉडल बने, बिल्कुल, बिल्कुल। और लोगों को अपनी सोहबत में रखकर उसका आदि बनाया, फिर दुनिया से तशरीफ़ ले गए, उन्हें फनाफिल्लाह करके चले गए। ये हमारे नबी करीम ने फरमाया, यतलु अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है इल्म। हमारे यहाँ इल्म नहीं है। अच्छा, जब इल्म नहीं है तो शऊर भी नहीं है। आप ही देखिए हमारे घरों में जो इस तरह मकसद हयात की तकमील के ख़िलाफ़ जो सोचे हैं वो कोई एक दो दिन की पैदावार तो नहीं है ना, ये मुंतकिल होती आई हैं ऊपर से और मुआशरे से उन तक ये बातें पहुँची हैं। और उसकी वजह वही है कि जहालत बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि पहले दौर में अगर कोई शख्स गुमराह होता भी था, कोई बेराह रवि की तरफ जाता तो किसी न किसी को देख कर राह की तरफ आ जाता। आज आप देखें पूरे पूरे ख़ानदान ऐसे हैं जो मकसद हयात से दूर है। एक बच्चा जब थोड़ा परवान चढ़ता है वो बेचारा कैसे मकसद हयात को समझेगा जब उसका मामू से कह रहा हो बेटा ज़रा माँ की गाली तो देकर बता। छोटे छोटे बच्चों को गालियाँ देते दिलवाते हैं, जब वो गालियाँ देता है वो तोतली से ज़बान में तो सारे खुश होते हैं, ऐसी ऐसी गालियाँ देता है। मैंने 100 रुपये दिया, आज पहली मरतबा गाली दी, गाली दी है, इनाम भी दिया। और बेटा वो जूते उठा के मार के बता ज़रा, उठा के दौड़ से किसी को मारेगा, उस पर हंसेंगे, कहकह लगाएंगे। अच्छा, फिर कोई बच्चा अगर बाहर से पैसे वैसे उठा के ले आए, बाज़ोकात तो चोरी करके लाए तो हौसला अफजाई कर देते हैं कि इतना तेज़ हो गया है, किसी का बैग नहीं छोड़ता, एक कटर लाया, दूसरे की रबड़ लाया, तीसरे की पेंसिल लाया और चौथे का मोबाइल उठा के ले आया। भाई कौन से कमाल की बात है। तो और फिर इस तरह वो बच्चा जब बुरी सोहबतों की तरफ जाता है, गलत चीज़ों की तरफ, तो कोई रोक टोक नहीं है। तो जब हमारे घरों के अंदर ना तालीम, ना इल्म और ना फिर कोई रोल मॉडल हो तो फिर ये तो होना ही होना है। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं कि जो खिलाफ चलते हैं इसके, उन्होंने एक मुहाज बना रखा है। इंटरनेट पर आप देख लें, स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, हत्या के मीडिया पे बैठ के बास दानिश्वर ऐसे आपको नज़र आएंगे जो वाकई बहुत बड़े दानिश्वर है कि वो मकसद हयात की तकमील की तरफ कोई बुला रहा हो तो उसे बेवकूफ़ और दखियनूसी कहेंगे और कहेंगे तो दुनिया की दौड़ में बहुत पीछे, हमारे साथ रहिए आप। इन तमाम चीज़ों पे गौर करें तो बहुत से असबाब सामने आए। बड़ी रहनुमा बातें आज के इस प्रोग्राम में मुफ्ती साहब ने बयान फरमाई। फिर हम कहते हैं कि हमारा माशरा बिगड़ कैसे गया, बच्चे बिगड़ कैसे गए, माशरा बुराई की तरफ जा कैसे रहा है, आप उसकी तरबियत ही इस तरह कर रहे हैं। जाहिर है ये वो ना तालीम है, ना तरबियत है, ना इस्लाह माशरे का कोई अमल है, तो बिगाड़ की तरफ तो जाएगा बाहर सूरत। एक तल्ख बात है लेकिन उसके लिए लाइन ऑफ डायरेक्शन दी जा रही है कुरान और अहादीस की रोशनी में। एक मुख्तसर सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, मुझे उम्मीद है
आपका और हमारा साथ रहेगा। अल्लाह की रहमतों का खजीना शाले रमजान, अल्लाह की रहमतों का खजीना शाले रमजान, बख्शीशो मगफिरत का बख्शीशो मगफिरत का सफीना शाले रमजान, अल्लाह की रहमतों का खजीना। रहमत सहर में खैर मकदम है। आज मकसद हयात और उसकी तकमील के तरीक़े जो हैं वो मौजू है, और अहले इश्क का जो मकसद हयात है वो ज़िक्र रसूल से वाबस्तगी है और सरकार अलैहिस्सलाम के दामन करम से वाबस्तगी है। आइए शामिल करते हैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पेश करेंगे जनाब अलहाज ज़ुल्फ़िकार अली हुसैनी। बिस्मिल्लाह। हुदूद तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं, हुदूद तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मौला हुजूर जानते हैं, वो आ भी सके बुला भी सकते हैं, वो आ भी सकते हैं और वो बुला भी सकते हैं, के दूरियों हुजूर जानते हैं, कि दूरियों को मिटाना हुजूर जानते हैं, कहाँ गए बरोज़ हश्र शफ़ात करेंगे चुन चुन कर, बरोज़ हश्र शफ़ात करे करेंगे चुन चुन कर हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मौला हुजूर जानते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अलहाज
ज़ुल्फ़िकार अली हुसैनी, बहुत खूबसूरत कलाम, सरवर हुसैन नक्शबंदी, हमारे बहुत उम्दा सना खां, बहुत अच्छे नादगो, और हमारे लाहौर से कई प्रोग्राम्स आप एंकर पर्सन के तौर पर किया करते हैं, उनका कलाम पेश कर रहे थे अलहाज़ ज़ुल्फ़िकार अली हुसैनी। हमारा आज जो मौजू है मकसद हयात और उसकी तकमील के तरीक़े जो हैं उसके हवाले से बात हो रही है। अल्लामा साहब, ये फरमाइएगा कि कुरान में तो दुनिया की तलब और दुनिया की जीनत के हवाले से तो हमें रोका गया है, इसके बावजूद इंसान जो है उस तरफ रगबत रखता है और अपने असल मकसद हयात से दूर नज़र आता है। क्या वजह है? कुरान तो अहकाम दे रहा है और अहले ईमान के लिए है, लेकिन इसके बावजूद हमारी तवज्जो उस तरफ नहीं है, इसके हवाले से क्या फरमाते हैं? जी शुक्रिया रईस भाई। असल में हमारी तवज्जो इस वजह से नहीं है कि कुरान ख़ुद इसकी तरफ इशारा करता है। कुरान कहता है कि बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। इंसान अपने मकसद हयात से इस वजह से फिर जाता है कि हर इंसान फितरती तौर पर चाहता है कि वह अल्लाह तबारक व तआला के करीब हो जाए, लेकिन माहौल या ज़माना कुछ ऐसे असरात छोड़ जाता है कि बंदा अपने उस औलाद के साथ ऐसा सलूक कर जाता है कि उसे हलाल लुकमा खिलाने के बजाय हराम की तरफ चला जाता है और हलाल लुकमे उसको खिला रहा होता है। ये हमें मकसद हयात से वो हटा कर रख देता है। रईस भाई, जब बंदा का मकसद हयात पुख्ता हो और आखिरत पर यकीन पुख्ता होता है तो फिर बंदा कभी भी इस तरफ नहीं जाता। जहाँ तक कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रमज़ान गुजर गए, ईद का दिन था, रो रहे हैं, बंदा हिम्मत भी नहीं हारता, रो रहे हैं। पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि 30 रोज़े रखे हैं, तरावी पढ़ी है और सहरी की है, सब कुछ हुआ है, इबादत की है, लेकिन अल्लाह की बारगाह से पता नहीं कबूलियत का मकाम मिलता है कि नहीं मिलता। जब बंदे की सोच आखरत वाली हो और फिक्र आखरत वाली हो तो फिर बंदा कभी भी भटकता नहीं है उस तरफ, लेकिन बंदे की तरजीह जब दुनिया बन जाती है और सिर्फ दुनिया का दिखलावा और याकारी बन जाती है और हिर्स बन जाता है और इक्तदार का लालच बन जाता है या कभी मनसब बन जाता है या कभी शोहरत बन जाता है, जब ये चीज़ें बंदे के जहन में आती हैं तो फिर बंदा फिर आखरत की तरफ जाने के बजाय, यानी कि अपने मकसद हयात की तरफ जाने के बजाय, फिर दुनिया को तरजीह देने लग जाता है। जब बंदे का इस तरफ रुझान होता है तो फिर नतीजतन क्या होता है, उसकी आखरत बर्बाद हो रही होती है और दुनिया उसकी बेहतर हो रही होती है, लेकिन हकीकत में वो अपनी आखिरत भी बर्बाद कर रहा होता है और उसके नतीजे में दुनिया भी बर्बाद कर रहा होता है। इस वजह से कि जिस मनसब के लिए, जिस शोहरत के लिए उसने ये सारा कुछ किया है, उसकी इज्जत ये आर्जी इज्जत थी, ये सिर्फ और सिर्फ मनसबी इज्जत थी। अगर वो चाहता तो आखिरत की फिक्र लेकर जाता और सिर्फ आखिरत के लिए ये सारा काम करता और लिल्लाहियत के लिए करता तो उसकी इज्जत हकीकत में लिल्लाहियत वाली इज्जत होती, उसके फिर दस्त बोसी भी होती और कदम बोसी भी होती, फिर वो मकाम जो अल्लाह तबारक औलिया को अता फरमाया, फिर उसकी ज़िंदगी वलियों वाली गुजरती। तो इंसान को चाहिए कि उस दुनियावी तरजीह को छोड़कर आखरत को तरजीह दे। जब बंदा आखरत को तरजीह देगा तो फिर दुनिया भी उसकी इज्जत करने लगेगी और आखरत में भी अल्लाह ताला उसे इज्जत का मकाम अता फरमाएगा। अच्छा मुफ्ती साहब, दुनिया से तो इस कदर लगाव है कि जब असल मकसद हयात की तरफ उलमा हजरात बुजुर्गान दीन बुलाएं तो कहते हैं जनाब अभी तो दुनिया के उमूर हम अंजाम नहीं दे पा रहे, आप तो दीन की तरफ, दीन की देखी जाएगी, वहाँ की वहाँ देखी जाएगी। तो इस कदर इसको गैर अहम समझना उखरवी कामयाबी को, क्या फरमाते हैं आप, इसकी क्या वजह? मैं थोड़ा सा इन्हीं की बात को आगे करते हैं। दुआ है कि अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। हम दुनिया में भी भलाई मांगते हैं, आखिरत में भी। इसका मतलब हुआ कि दुनिया की हर चीज़ हकीकतन वो दुनिया नहीं है जो आखिरत से गाफिल कर रही है। बिल्कुल। तो ये हमेशा ज़हन में रखें कि लोगों के अंदर ख़राबी कब पैदा होती है, गलत फहमी कैसे पैदा होती है, वो गुमराह कब होते हैं, जब वो दुनिया को समझते हैं कि हर वो चीज़ के जो हम आसाइश या आराम के लिए या सहूलत के लिए हासिल कर रहे हैं वो दुनिया ही है और ये दुनिया काबिल मजम्मत है, तो वो उलमा पे एतराज़ करते हैं कि आप ये दुनिया से रोक रहे हैं, ख़ुद तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, आप ये पेट भर के नहीं खाना खाते, आपने वेस्ट कोट पहनी हुई इतनी माशाल्लाह खूबसूरत, बालों में माशाल्लाह क्रीम वगैरह लगाई हुई है, जेल वगैरह, ये सब कुछ, तो ये अब ये दुनिया नहीं है क्या? अब ये बात बस समझने वाली है, इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार तशरीफ़ ले गए, सहाबा किराम साथ थे, तो एक नौजवान बड़ा मुतहर्रिक नज़र आया, तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह काश इसकी कोशिश अल्लाह के लिए होती, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वही सोच है कि जो एक अभी तालीम नहीं है ना, तो वही सोच जो हमारे यहाँ है, सरकार ने क्या फरमाया, अगर इसकी ये कोशिश इसलिए है ताकि ये लोगों से मांगने से बचे, रिस्क हलाल कमाए, अपने घर वालों को पेट भर के खिलाए और उनके दस्त सवाल दराज करने से उनको बचाए, तो इसकी तमाम कोशिश अल्लाह के रास्ते में है, और अगर ये इसलिए है ताकि खूब माल जमा करे, उस पर फख्र तकब्बुर करे, तो इसकी कोशिश
शैतान के रास्ते में है। इसी तरीके से एक मरतबा सहाबे कराम गुरबा जो थे, हुआ या रसूल अल्लाह हम नमाज़ पढ़ते हैं रोज़ा रखते हैं, जो हमारे अमीर साहबा साथी हैं वो नमाज़ पढ़ते हैं वो भी रोज़ा रखते हैं लेकिन जिहाद में पैसा खर्च करते हैं, वो नफली सदका करते हैं, तो वो हमसे आगे निकल गए। तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया कि अच्छा मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताता हूँ कि अगर तुम वो कर लो उस दिन कोई तुमसे उस वक्त तक अफजल नहीं होगा जब तक वो भी वो वैसा ना कर ले। तो सहाबा कराम ने अरसी असल्ला बताइए, फरमाया कि हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाह अकबर, 99 बताए, ये कर लो। वो चले गए, किया। कुछ हज़रत फिर आ गए, या रसूलल्लाह वो हमारे अमीर भाइयों ने सुना तो उन्होंने भी इसको इख्तियार कर लिया। सरकार ने फरमाया अल्लाह का फजल है जिसको चाहता था फरमाया। यहाँ सरकार ने ये नहीं फरमाया कि वो जो अमीर साहबा हैं उनकी मजम्मत फरमाते कि उनके पास पैसा कहाँ से आ गया ना, इन्होंने कहा कि वो ऐसा कैसे क्यों हुआ उनके साथ। अबू बकर सिद्दीक ने माल ला कर दिया ना, बड़े मालदार साहब थे, 40,000 दिरहम रिवायत में आता है एक मरतबा, 10,000 दिन में, 10,000 रात में, 10,000 ऐलानिया तौर पर और 10,000 पोशे दो तौर पर खर्च किए हैं, 40,000 दिरहम। इस तरह अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला के बारे में एक रिवायत में आता है कि 70,000 दिरहम, जब आप वफात हुई तो 70,000 दिरहम आपके पास थे। उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हों ने अगर माल ना होता तो जैशुल उसरा में ना देते और सरकार की तरफ से बिशारत हासिल ना करते। इमाम आज़म रदी अल्लाह तआला घोड़े पर सवार जा रहे हैं, काफिर ने पकड़ ली लगाम, कहने लगे कि आप मुसलमानों के इमाम मेरे सवाल का जवाब दें। कहा पूछो, कहा आपके नबी ने फरमाया दुनिया काफिर के लिए जन्नत और मोमिन के लिए कैद खाना है, जबकि मैं गरीब हूँ, आप मोमिनीन के इमाम हैं, आपके ऐशो इशरत तो देखें माशाल्लाह शाही ठाट, और हमारे मतलब शाही ठाट से मतलब रिस्क हलाल कारोबार करते थे बहुत ज़बरदस्त किस्म का। तो आपने फरमाया कि अगर तू जहन्नम में गया तुझे दुनिया अजाबी और कैद खाना ही जब तू वहाँ जाएगा तो तू ये कहेगा कि वाकई दुनिया तो जन्नत ही थी, और जब हम जन्नत में जाएंगे तो दुनिया उसके मुकाबले में हमें कैद खाना ही लगेगी। हमारे नबी ने हक़ फरमाया। इस तरह गौसे पाक रदी अल्लाह तआला इतना बेशकीमत लिबास पहनते थे ज़बरदस्त किस्म का। एक दफ़ा एक शख्स ने तंज करते हुए कह दिया कि वाह भाई वाह, ऐसा तो खलीफा भी नहीं पहनता। तो एक गैब से कील उसके पाँव में चढ़ गई और चीखे मार रहा ज़बरदस्त किस्म की। फिर लाया गया गौसे पाक के पास, तो आपने फिर दुआ फरमाई, कील निकली और आपने फरमाया हम जो पहनते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए पहनते हैं। वो बुढ़िया जो अपने बच्चे को लेकर आई कि हुज़ूर इसकी तरबियत कर दें, कुछ अरसे बाद आई बच्चा सूख के कांटा हो रहा है, जैसे ये बच्चा हमारा शाहरुख रोटियां खाता है बेचारा होटल की जेब में रख के चाय के साथ। तो इसकी हालत देख लो। तो अब वो रियाजतें कर रहा है ना माशाल्लाह, इसके दर्जे देखे, हाँ अल्लाह ताला बस इसको और दर्जे अता फरमाए, बड़ा बुजुर्ग शख्सियत है ये। तो अब वो उसने एतराज़ किया या गौस, अच्छा गौसे पाक उसको जौ की रोटी हाथ में पकड़ा हुई खुद मुर्गा खा रहे हैं, कहने की वाह गौसे पाक वाह, मेरा बेटा जौ की रोटी खा रहा आप मुर्गियाँ खाएँ। आपने फरमाया कुम बिज़्निल्लाह, मुर्गा जिंदा हो गए, भांग देने लगा। फरमाया जब तेरा बेटा इस काबिल होगा ना तो मुर्गा भी खाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि दुनिया से दायरे शरीयत में रहकर हिज्ज़े नफ्स हासिल करना, जो मकसद हयात की राह में रुकावट ना हो, वो दुनिया नहीं है, वो आयन दीन है। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। नाज़रीन मोहतरम, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमारे दोनों ही स्कॉलर्स ने अपने अपने कलिमात और अपने अपने इरशादात आप तक पहुँचाए, और इसमें तमाम बातें वो हैं क्योंकि जो इस्लाही बातें हैं। अल्लाह करे कि हम जो सुन रहे हैं उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं, वक्फे के बाद लौटेंगे, मुझे उम्मीद है आपका और हमारा साथ रहेगा। रहमत सार में खैर मकदम है आपका, आइए शामिल करते हैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पेश करेंगे जनाब मोहम्मद शाहरुख कादरी। बिस्मिल्लाह। हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं दिलो जान, उन पर निसारा करूं मैं हबीबे खुदा का नजारा करूं तेरे दर से अपना
बहुत ही अहम मौजू पर हमने प्रोग्राम किया। मैं चाहता हूँ अल्लामा उवैस साहब जो है कुछ पैगाम की सूरत में चंद सतूर अगर बयान फरमा दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रईस भाई, पैगाम यही है कि हम यह हदीस पढ़ते हैं, मन साम रमदाना ईमानन व इतसाबन गुफ़िरलहु मा तक़द्दमा मिन ज़म्बी। यह हदीस पढ़ते हैं इसी तरीके से क़यामुल्लैल के बारे में, इसी तरह लैलतुल जायज़ा के बारे में, इसी तरह शब कदर के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिन रात इस रमज़ान में वो ईमान के साथ तो गुजर रहा है, लेकिन हमारा ख़ुद एहतसाबी का जो अमल है वो बड़ा कमज़ोर है। हमें चाहिए कि वाकई हम मकसद हयात की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे, उसकी तकमील हो पा रही या नहीं पा रही। अगर हम ख़ुद अपना एहतसाब करें तो यकीनन उस एहतसाब के नतीजे के अंदर हम मकसद हयात की तकमील की तरफ बहुत जल्दी गामजन हो सकते हैं। हमें तौबा भी नसीब होगी, हमें अल्लाह ताला की तरफ रुजू भी नसीब होगा। इसलिए मेरा पैगाम सिर्फ यही है कि हर आने वाला लम्हा या हर गुजरने वाले लम्हे को गनीमत जाने और ख़ुद एहतसाबी के साथ उसे गुजारें। सब क्या फरमाइएगा पैगाम की सूरत में? जी हाँ बिल्कुल, देखें हर शख्स को चाहिए कि वो एहतसाब करे कि मैं मकसद हयात को पहले समझा हूँ या नहीं समझा हूँ, फिर उसके मुताबिक अमल कर रहा हूँ कि नहीं। अगर नहीं है तो वो ख़ुद संभले ताकि उसकी नस्लें भी उस पर मौकूफ़ हैं, और ऐसी सोहबत इख्तियार करे, ऐसे लोगों के साथ रहे जो मकसद हयात के सिलसिले में, उसकी तकमील के सिलसिले में संजीदा हैं, तो इंशाल्लाह इसमें भी संजीदगी पैदा होगी। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया अगर अदा करूँगा। इंशाल्लाह वक्फे की जानिब जाएंगे, वक्फे से लौटेंगे इंशाल्लाह, तो आपके सवालात और मुफ्ती साहब इंशाल्लाह जवाब इनायत फरमाएंगे। अज़ान फजर का वक्फा। आज मौजू जो है वो बहुत अहम मौजू रहा। हमें अपने माल की फ़िक्र रहती है, माल की फ़िक्र में पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। हम ये नहीं समझते कि हमारे साथ माल नहीं बल्कि हमारे साथ आमाल जाने हैं। इसी तरह हम जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत कुछ करते हैं, बड़ी सिक्योरिटी करते हैं, बहुत ज़्यादा तगोदो करते हैं कि जान बच जाए, जबकि जान को तो छोड़ें, हमारे साथ जाने वाली चीज़ जो है वो ईमान है।
हमारी फिक्र उस तरफ बिल्कुल नहीं होती। इस तरफ ज़रूर तवज्जो करनी चाहिए। आज जितनी बातें सुनी है उस पर ज़रूर तवज्जो कीजिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे वक्फे के बाद। मुझे उम्मीद है आपका हमारा साथ रहेगा। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة